जलते रहे घर, जलती चीखती रही बच्ची, डाकते बिखरते रहे मवेशी, दर्जनों घर हुए जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर अज्ञात कारणों से लगी आग ने अपना तांडव दिखाया है। तांडव इस प्रकार का रहा कि हर किसी का देख दिल दहल गया, पर सरकारी मंसूबों पर दमकल की गाड़ी पानी फेरती नजर आई हैं। गांव का गांव जलता रहा, राख से खाक होता रहा, पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। पहुंची तो तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो गया था। देखिए समाचार इंडिया की रिपोर्ट। आपको बता दें, बहराइच जनपद के थाना घेरी घाट के एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि आग ने देखते ही देखते दर्जनों घरों को अपने आगोश में ले लिया। इस हादसे में घर के भीतर बंधे दो मवेशी समेत 2 वर्षीय बच्ची की झुलझकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद भी दमकल की कोई गाड़ी तत्काल नहीं पहुंची। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, काबू भी पा लिया, पर मासूम बच्ची की जान नहीं बचा सके। मासूम की मौत की खबर से पूरे गांव में हाहाकार मच गया है। बच्ची की मां सदमे में है, वे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा दलजीत प्रवा। अच्छा, कितने नुकसान हुआ लगभग? अरे लमसम कितने नुकसान, जब कुछ बचाए ना पाए, जब हम रहबे ना गए तो क्या पता कितने का हुआ। कैसे लगी है आग? अब यहाँ हमका ना पता, हम तो बढ़ाइए में बैठ रहा है। कितने बजे जानकारी हुई? अभी हम कितने की जानकारी बता दी, 11:30 बजे। आपको बता दें कि थाना खेरी घाट के बेबाही चौक अंतर्गत दलजीत पुरवा गांव के माजरा पंडित पुरवा के एक घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। जिसका घर जला वह उस व्यक्ति का नाम राजेंद्र है। इस भीषण अग्निकांड में राजेंद्र का पूरा घर जलकर स्वाह हो गया है, सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं इस हादसे में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भीषण आग की चपेट में आने से राजेंद्र की पुत्री भी बुरी तरह झुलझकर मर गई है। इसके अलावा घर के भीतर बंधे दो कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। बता दें कि तुरंत सूचना दिए जाने के बाद भी दमकल विभाग की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोग ही घंटों तक आग की लपेटों को बुझाने का प्रयास करते रहे। बच्ची की मौत के साथ ही पूरा घर तबाह हो जाने से राजेंद्र का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। वहीं सब कुछ तबाह हो जाने के बाद घटना स्थल पर थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी सहित तहसीलदार पहुंचे और वही पुराना राग गुनगुनाते हुए कहा कि जो भी मदद हो सकेगी की जाएगी। बहराइच के थाना खैरी घाट में दलजीत पुरवा पंडित पुरवा एक गांव है, वहां आग लग गई, जिससे 6-7 घरों में आग लग गई। घास फूस के घर थे, इसलिए वो घर जल गए और एक साल की बच्ची जो घर से नहीं निकल पाई थी, उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। मौके पर हमारे पुलिस के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी मौजूद है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बहराइच से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट।